फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं, जैसे आपने पढ़ लिया होगा कैप्शन में, जिम बीम गिटार एडिशन को। सो जिम बीम गिटार एडिशन बेसिकली है क्या? सो जिम बीम हर टाइम एक नया बॉक्स लेके आता है जो कि उसका वो एडिशन कहलाता है। जैसे लाइक इससे पहले उनका एक कार एडिशन था जिसमें फोर्ड की कार आती थी, ये वाला भी डिसकंटिन्यू हो गया है। बड़ी मुश्किल से जाके मुझे दिल्ली में किसी एक वाइन शॉप पे, लिकर वाइन शॉप पे ये वाला एडिशन मिल गया। सो मैंने इसको ले लिया और अब जो है वो सिंपल स्ट्रेट बॉक्स है, वो आई गेस उनकी एनिवर्सरी एडिशन है। सो टाइम ना वेस्ट करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ गिटार एडिशन कैसा दिखता है। सो ये है जिम बीम का गिटार एडिशन। पैकेजिंग देख रहे हैं आप, इतनी बढ़िया और इतनी थिक पैकेजिंग है, इतना थिक बॉक्स है और फुल स्टील बॉक्स, बहुत अच्छा। मैं सबसे पहले आपको बॉक्स दिखा देता हूं कि ये बॉक्स कैसा है। सो दिस इज द बॉक्स, दिस इज द जिम बीम गिटार बॉक्स। गिटार क्यों उन्होंने यूज करा है? क्योंकि जिम बीम के गिटार्स भी आते हैं, जिम बीम गिटार। ओके, यहाँ पर कुछ इनके जेम्स बी बीम की के सिग्नेचर्स हैं, जैसे कि इनकी बॉटल पर लिखा होता है, माई बॉटल इज समथिंग, कुछ लिखा होता है, माई बॉटल इज ए is empty without my signature, something like that. वो भी पोर्टल पे देखते हैं, ऐसा कुछ इन पेज पे लिखा होता है। Oh yes, so यहाँ पर लिखा हुआ है, so non-genuine without my signature. कितना cool है। Okay, अगर हम पीछे बात करें तो पीछे इसमें प्राइसिंग और एवरीथिंग लिखा हुआ है। और हाँ, मैं आपको इस जिम बीम के बारे में एक फन फैक्ट बताऊंगा। आपने बहुत सारी जिम बीम की वीडियोज अगर देखी होंगी, अगर आप जिम बीम को सर्च कर रहे हैं, तो ये चीज आपको नहीं पता होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये डेली एनसीआर वालों के लिए ही है इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज द जिम बीम बॉक्स। सो इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। सो इसको मैं आपको यहाँ से खोल दिया है और ये ऐसे इसका अपर केस अलग हो जाता है। एंड हियर इज द जिम बीम बॉटल। जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही कूल स्टाइल से इन्होंने बॉटल रखी हुई है। हाँ, ये मैंने पहले ओपन कर ली थी, आई हैड सम ऑफ इट। और अगर पैकेजिंग की सिक्योरिटी की बात करें, सो यहाँ पर ये फोम लगा हुआ है, काफी स्ट्रांग फोम है जिससे बॉटल को कोई हार्म ना आए और इसके बॉक्स को भी कोई हार्म ना आए। ऐसा है इसका बॉक्स अंदर से, और काफी अच्छा रीयूजेबल और कलेक्टेबल बॉक्स है। सो दैट वॉज द मेन रीजन जो जिसकी वजह से मैंने गिटार एडिशन में किया है, क्योंकि अब ये डिसकंटिन्यू हो गया है। इसको यहाँ साइड रख देते हैं। एंड हेयर इज आर बॉटल। सो अब मैं आपको बताता हूँ फन फैक्ट क्या है। So Jim Beam, let me see if I can see the price. Yes. So आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर reflection ना आए तो let me just focus it here. एक बार और focus करता हूँ। I'm not sure आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, but ये 1800 रुपए की है, मतलब इसमें price. एक बार और मैं कर दूँ zoom in. आई गेस वो मेरे को जूम कर रहा है। ओके, यहाँ पे इसमें 1800 MRP लिखा हुआ है, जस्ट बिकॉज वैट बढ़ गया है दिल्ली में। ये मुझे 1870 की मिली है, ये 1870 की दिल्ली में है। अब है इसका फन फैक्ट। सो फन फैक्ट ये है कि ये सिर्फ एक ऐसी बर्बन है, या मैं कहूँ विस्की है, या दारू है, जो यूपी में सस्ती है और दिल्ली में महंगी है। ये यूपी में 1610 रुपए की है, थोड़ा बहुत ऊपर लेके 1620 की बेचते हैं, बट ये यूपी में 1610 रुपए की है और दिल्ली में 1870 की है। और कोई ऐसी नहीं है जो यूपी में सस्ती है और दिल्ली में महंगी। मैंने सबसे पहले इसको यूपी में ही ट्राई किया था कि मुझे ये मिल जाए, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली एक्सपेंसिव ही लेनी पड़ी क्योंकि यूपी में वो वाला बॉक्स था नहीं। सो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे और इंट्रोड्यूस करता हूँ अपना शॉट ग्लास, और आइए इसे थोड़ा सा पोर करते हैं। जब तक मैं पोर कर रहा हूँ, एक चीज का हमेशा याद रखें कि डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। सो हियर आई एम पोरिंग। सो मैं बहुत थोड़ा सा ही पोर कर रहा हूँ। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं कार में हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं ड्राइव करूंगा। ये मेरे घर के पास की पार्किंग है और मैंने वहां पे गाड़ी लगा रखी है, सो मैं ड्राइव नहीं करने वाला। और रही बात अगर लीगल फैक्ट की, तो आप आई गेस 30 ml का पी के गाड़ी चला सकते हैं, और ये 30 ml भी नहीं है। तो सबसे पहले आइए इसकी नोटिंग की, नोजिंग की देखते हैं। ओ माय गॉड, जिम बीम इज ऑसम ऑन नोज। कैरमल एंड वनीला, काफी सूदिंग कहते हैं ना, मतलब काफी सूदिंग नोट्स होते हैं एक बर्बन के, या एक विस्की के, या एक स्कॉच के, अगर आप सबको रखना चाहो एक साइड पे। सो
इसके काफी सूदिंग नोट्स हैं. एवरी टाइम यू स्मेल दिस बर्बन यू फील वाओ. सो मैं इसको नीट नहीं ट्राई करूंगा, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा ताकि इसके जो फ्लेवर है थोड़े से एनहांस हो जाए. एड अ स्मॉल वाटर इन इट. यस यस, आप देख सकते हैं ये कितनी ज्यादा आपको ऐसे दिखेगी, ऑयली सी है, काफी काफी कहते हैं ना हैवी सी, हैवी हैवी क्या कहते हैं इसका लिक्विड स्ट्रक्चर है, विच इज रियली गुड. और जितनी महंगी होती हैं वो ऐसे ही होती हैं. नाउ इट्स मोर सूदिंग. तो आइए इसको बिना टाइम वेस्ट करते हैं ट्राई करते हैं. दिस इज माइंड ब्लोइंग. जिम विम की मैं एक चीज बताता हूँ कि बहुत जनरल सी बात बताऊंगा, मतलब इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं दूंगा आपको कि ये ऐसी है वैसी है, इसमें ये यूज हुआ है वो यूज हुआ है. इसको पीने के बाद आपको पहले तो हैंगओवर नहीं होता, दैट इज अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस बर्बन. दूसरी बात, इंडिया में बर्बन विस्कीज बहुत कम है, जिम बीम वर्ल्ड की नंबर वन बर्बन है तो आपको बहुत इजीली मिल जाती है. और इसका फ्लेवर, मैंने लंदन में भी जिम बीम ट्राई करी थी, लंदन में भी इसका ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस था इफ आई कंपेयर टू इंडियन प्राइस. उसका फ्लेवर और इसका फ्लेवर सेम है, बिल्कुल सेम है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार अगर मैं यूपी से लेता हूँ तो उसका फ्लेवर अच्छा नहीं होगा दिल्ली से कंपेरिजन में, तो ऐसा नहीं है. मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ और आप वेरीफाई कर सकते हैं. यहां से अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, ओके, ये यहां पे बॉटल्ड इन लिखा हुआ है बीम ग्लोबल स्पिरिट्स एंड वाइन. मैं पढ़ के बताता हूं, बीम ग्लोबल स्पिरिट्स एंड वाइन प्राइवेट लिमिटेड, करोरा बिहरोर राजस्थान, ओके 301020, ओके. ये यहीं पर ही बॉटल होती है. पहली बात, ये डोमेस्टिक लेकर नहीं है, ये IMFL है. IMFL मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो कि होती है IMFL, ओके, इंडियन मेड फॉरेन लेकर. जो इसके ग्रेन्स हैं या जो भी इसमें कंटेंट यूज हुआ है वो इंडिया में बना है, बट जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो वही है, इंग्रेडिएंट्स भी उन्हीं के हैं, रेसिपी भी उन्हीं की है, और ये सिर्फ एक ही जगह बनती है. सो जहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट होती है वहां राजस्थान से डिस्ट्रीब्यूट होती है. ऐसा नहीं है कि यूपी की कहीं डिस्टिलरी से बन रही है और दिल्ली की डिस्टिलरी से बन रही है, ऐसा नहीं है. एक ही जगह से बनती है, सो एक ही फ्लेवर है. आप कहीं पे भी जाकर ट्राई कर सकते हैं, जिम बीम को आपको वो ही फ्लेवर मिलेगा. आई ट्राई इट अगेन. इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड. अगर आपका बजट है जो आप 1800-2000 तक में जाते हैं तो यू कैन ट्राई दिस. मैंने जैक डैनियल भी ट्राई करी है, जेडी भी अच्छी है, पर अगर प्राइस करें तो जेडी का प्राइस उसे 1000-1200 रुपए ऊपर है. और जिम बीम की अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो काफी उमदा है, काफी अच्छी है, और इट्स अ मस्ट ट्राई बर्बन. जिम बीम के बारे में कुछ ज्यादा कहने के लिए मेरे पास है नहीं, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ स्पीचलेस अमेजिंग बर्बन इन इंडिया. मस्ट ट्राई. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. और हाँ, मुझे बताएं जब आपने जिम बीम ट्राई करी थी तो आपको ये कैसी लगी, और जिम बीम के टक्कर की कौन सी स्कॉच है, कौन सी विस्की है इंडियन मार्केट में. एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें.